students, see, tomorrow is the test on cost sheet, and from Monday onwards, I am going to start with the estimated cost sheet. मतलब normal sum नहीं रहेंगे, normal sum से थोड़े से difficult sum रहेंगे. Clear है? तो आज के lecture में मैं कोई sum solve नहीं कर रहा हूँ. बस हमारी sheets देख लो. हमारी sheet में सब sums complete किया है कि मैंने वो check कर लो. Sum number one, Avadhoot Limited, वो हो चुका है. Sum number second, सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये तुम लोग होमवर्क के लिए कर लो, मार्किंग करके दे देता हूं, जरा शीट ले लो फटाफट चेक करो एक बार. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस डायरेक्ट मटेरियल माइनस डीएम, रॉ मटेरियल परचेस प्लस डायरेक्ट मटेरियल, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी, नाम ऑफिस सैलरी देख के ऑफिस में मत डालना, ड्रॉइंग करके लिखा हुआ है ना, तो इट इज ड्रॉइंग ऑफ द लेआउट्स ऑफ द फैक्ट्री, प्लांट लेआउट्स, मशीनरी लेआउट्स, वो फैक्ट्री के लेआउट्स ड्रॉ करने के लिए सैलरी देते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड है, एफओ. रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन इज डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड इज, कैरेज इनवर्ड कहां पे आएगा, शाबाश, डायरेक्ट मटीरियल का एक्सपेंस आएगा. कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इज, कैश डिस्काउंट इज सेलिंग ओवरहेड, एसओ. रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरीज फैक्ट्री ओवरहेड, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस कन्वेयंस, ऑफिस ओवरहेड, सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन, तो सेलिंग ओवरहेड. प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस बोलेगा ना तो डायरेक्ट वेजेस, याद रखना, प्रोडक्टिव वेजेस बोलेगा तो डायरेक्ट वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस बोलेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, थोड़ा ये याद रखना. Depreciation on plant and machinery, factory overhead. Depreciation on office furniture is office overhead. Morris Hasmat. Director fees is office overhead. Gas and water charges factory is factory overheads. Gas and water charges office is office overhead. Manager salary is office overhead. Cost of auto logs लिखा हुआ actually. कैटलॉग्स होगा वो, कैटलॉग प्रिंटिंग, कैटलॉग प्रिंटिंग करते हैं ना, उसका कॉस्ट इज सेलिंग ओवरहेड. लूज टूल्स रिटन ऑफ, वंस अगेन, व्हाट इज अ लूज टूल्स, लूज टूल मतलब हथौड़ी, चीनी, पाना, वो सब पकड़ रहता है ना, उसको बोलते हैं लूज टूल्स, और वो भी असेट है हमारा, वो असेट का रिटन ऑफ, रिटन ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऑन हथौड़ी, चीनी, पाना, वो सब फैक्ट्री में काम करता है ना, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड आएगा. ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस, ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर मतलब ट्रेड करने के लिए, मतलब फेयर लगाते हैं ना, मेला लगाते हैं बेचने के लिए, तो सेलिंग ओवरहेड. ओके, आगे एडजस्टमेंट दिया हुआ है. आउट ऑफ 48 आवर्स इन अ वीक, मैनेजर डिवोट्स 40 आवर्स इन फैक्ट्री एंड 8 आवर्स इन ऑफिस पर वीक, तो ये सॉल्व करके देता हूं. लास्ट में दिया हुआ है मैनेजमेंट हैज फिक्स द सेलिंग प्राइस एज 110% ऑफ कॉस्ट, तो ये सेलिंग प्राइस का एडजस्टमेंट है, तो सेलिंग प्राइस जो भी रहेगा ना वो कॉस्ट पे कैसा आएगा वो कैलकुलेट करके बता देता हूं. I am solving the adjustment. Manager devotes 40 hours for factory and 8 hours for office. So manager salary, total manager salary is 60,000. देखो ना, केट टर्न करके देखो ना, 60,000. He is working in factory and office both. So in factory 40 hours. So 60,000 into 40 divided by 48 and 60,000. Into 8 divided by 48, 8 1 जा 8 6 जा 6 1 जा 6 मतलब इधर आएगा 10,000 और इधर आएगा 50,000. फैक्ट्री में आएगा मैनेजर सैलरी फैक्ट्री 50,000 एंड ऑफिस 10,000 एंड वन मोर एडजस्टमेंट इज गिवन दैट मैनेजमेंट हैज फिक्स्ड द सेलिंग प्राइस एट 110% ऑफ कॉस्ट. मतलब तुमको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा ना एट प्रॉफिट, तो मिलेगा सेल्स, इतना याद है ना लास्ट आइटम. तो क्वेश्चन में क्या करना, सपोज कॉस्ट ऑफ सेल तुमको मिल जाएगा, सपोज 7,45,000 मिल जाएगा, क्या कर देना, सेल क्या बोला है, सेल्स इज 110% ऑफ कॉस्ट, सो व्हाट एवर इज द कॉस्ट 7,45,000 इंटू 110% कर लेना एंड यू विल गेट एन आंसर. ओके, और इसको माइनस करके प्रॉफिट निकाल दो. क्लियर है? तो सम इजी है, ये सम तुम लोग होमवर्क के लिए कर सकते हो. सेकंड वाला आज का होमवर्क सम नंबर सेकंड है. क्लियर है? और क्वेश्चन नंबर थ्री,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट मटेरियल, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट पावर, डायरेक्ट एक्सपेंस, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी, फैक्ट्री, टेक्निकल डायरेक्टर फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप लेस फ्रॉम फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस फ्रॉम फैक्ट्री, फॉर्मेट अपना याद रखो, फैक्ट्री स्टेशनरी फैक्ट्री, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस डीएम, फीस टू ब्रांड एम्बेसडर, कहां जाएगा ब्रांड एम्बेसडर, बेचने के लिए एम्बेसडर रहता है ना, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, सेलिंग ओवरहेड, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ऑफिस ओवरहेड, स्टाफ सैलरी ऑफिस ओवरहेड, ट्रेड डिस्काउंट, चोकड़ी, कैश डिस्काउंट आएगा, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट सीन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑफिस रेंट, ऑफिस प्री सैंपल एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स आर मेड टू अर्न 10% ऑन कॉस्ट, याद है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, तो प्रॉफिट में नीचे लिखना 10, कॉस्ट के नीचे लिखना 100, 100 प्लस 10 110, 100 प्लस 10 110, उसको कर देना, बराबर है ना, इसका मतलब थर्ड सम आल्सो यू कैन डू एज होमवर्क, तो सेकंड सम हो गया, थर्ड हो गया, सम नंबर फोर्थ, फोर्थ वाला भी तुम लोग होमवर्क के लिए कर सकते हैं, सम नंबर फिफ्थ शायद हो चुका है, ओके, एंड लास्ट में सम नंबर 21 केके लिमिटेड भी कर देना होमवर्क के लिए, शायद हो चुका है, वो भी एक बार चेक कर लेना, शायद टेस्ट में डाला था नहीं सर ने, ओके, तो 21 भी तुम लोग कर सकते हैं, क्लियर, तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा जो रहेगा मंडे से, वी विल स्टार्ट विथ अवर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, ओके।